थे वो देखकर राखी काफी इंप्रेस हो गई क्योंकि मेरे वीडियो जो है वो मर्दानगी से भरपूर थे। तो राखी ने सोचा कि कौन है हट्टा कट्टा मुस्टंडा जो इंटरनेट की दुनिया में दस्तक दे रहा है। फिर क्या, राखी ने मेरा वीडियो देखा, उसने तारीफ की और मैं दंग रह गया कि एक इतनी हॉट बाला मुझ जैसे न्यू कमर को इस तरह से भाव दे रही है। जानू ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। ये हेलमेट जानू, एक सेकंड तो काश मैं ये पंजाब में यूज करता जो मेरे साथ। बट यू लुकिंग वेरी नाइस, ट्रस्ट मी। नाउ यू कैन कंटिन्यू। या तो उसके बाद में फिर टॉपिक क्या चल रहा था? शादी का कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ। ओके, तो उसके बाद में फिर कौन है वो बंदा जो यूट्यूब की दुनिया में दस्तक दे रहा है? और उसके बाद में राखी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाए जिनको मिलियन ट्रिलियंस व्यूज मिले। और उसके बाद में वो कहते हैं ना कि हमारा प्यार जो है वो परवान चढ़ने लगा। पहले जो हमारी दोस्ती थी वो वर्चुअल डिजिटल थी, सी व्हाट्सएप पे हमारे चैटिंग चलती थी। लेकिन जब रियलिटी में मैंने राखी को मेरे मर्दानगी का एहसास लॉस एंजलिस में दिया, तब राखी को पता चला कि दीपा सिर्फ वीडियो में एक मर्द नहीं है, रियलिटी में एक हट्टा कट्टा तगड़ा तगड़ा मुस्टंडा है। और राखी मेरे प्यार में पागल हो गई। दीपक एक मर्द नहीं है, दीपक एक नामर्द है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। मैं एक मर्द हूँ, सच्चा मर्द। कितने भी आलो कितने भी पालो दीपक सब ले सकता है क्योंकि मुझे कोई दर्द नहीं होता है ना राखी। दर्द नहीं होता? नहीं, क्योंकि तुम मर्द हो इसलिए तुम्हें दर्द नहीं होता जानू। और यही मेरी अदाए जो है वो राखी को लुभा गई जी। और उसके बाद में फिर हमने शादी का डिसीजन लिया। हाउ यू प्रपोज मी, जस्ट टेल देम हाउ यू प्रपोज मी। मैंने राखी को सबसे पहले एक बनाना दिया। और क्योंकि लोग जो है वो गुलाब का फूल देते हैं, लेकिन मैंने राखी को जो है वो बनाना दिया। और राखी वो बनाना देख के बहुत खुश हो गई क्योंकि जिस कंडोम की वो ब्रांड एम्बेसडर है उसका फ्लेवर भी बनाना है। और मुझे जिंदगी में दो चीजें नहीं, मेरे कंडोम का फ्लेवर बनाना है, ऊद है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, जितने भी भोपला है, हर टाइप के जो जो भी है, कद्दू भी है, दूधी भी है। ओके, दूधी, मतलब मत करो लौकी, हम लोग यहाँ मराठी लोग लौकी को दूधी कहते हैं। ओके, मुझे थोड़ा अनइजी लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी लगेगा, रख दो तुम्हारा ढक्कन। ठीक है जी। हाँ, और उसके बाद में फिर राखी ने कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा कि मैं बनाना बॉय हूँ। और उसके बाद में मेरे जो वीडियोस है बनाना वाले उसको मिलियन मिलियन में व्यूज मिले हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप हमेशा ये बनाना लेके क्यों घूमते हो? क्योंकि बनाना को आप छुपा के क्यों नहीं रखते हो, हाथ में लेके क्यों घूमते हो? क्योंकि मुझे लाइफ में दो चीजें बहुत पसंद है, गोवा के बाटे बाटे बनाना और लोगों को उल्लू बनाना। तो तुम ये उल्लू बना रहे हो, मुझे शादी नहीं कर रहे हो?